आप आई थिंक मेरे से ना डकार का वो जो वो पूछा था क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे पास मटेरियल आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी वालेकुम सलाम मैम यहाँ आ रही है मुझे वालेकुम सलाम यस मैम सर मैं सब अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है यस मैम क्या हाल है आप लोगों की ठीक है मैम ठीक है
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ना हमने एक कमिटमेंट डकार एजुकेशन फॉर ऑल डिस्कस किया था, तो मेरी एक स्टूडेंट जो फिजिकल क्लास दे रही है उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम इसके बारे में ना थोड़ा सा बता दें। तो जो मेरे पास कुछ नोट्स लिखे हुए थे, ये 180 कंट्रीज के दरमियान में ना एक कमिटमेंट हुई थी, ठीक है। हाँ जी 180 कंट्रीज, 2000 की बात है ये, डकार जो मैं बता रही हूँ, डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। के दरमियान में कमिटमेंट हुई, ठीक है, जिसमें उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल, ये सबके लिए जो है वो एजुकेशन देनी है, इंटरनेशनल कमिटमेंट हुई। पाकिस्तान ने भी इसमें जो है वो अपनी पार्ट परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने भी सिग्नेचर किए जी 2000, 2000 में। सिक्स गोल्स थे इसके, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, नेशनल कमिटमेंट थी, 180 कंट्रीज थे, इंटरनेशनल कमिटमेंट विच वॉज लॉन्च एट द वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जोमेटन थाईलैंड 1990 टू ब्रिंग द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन टू एवरी सिटीजन इन एवरी सोसाइटी, ठीक है जी। हर सोसाइटी का जो एवरी सिटीजन है उसका राइट है एजुकेशन हासिल करना, तो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जो है इन्होंने काम किया। सिक्स गोल थे एक्सपेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर 2015 में स्पेशली फॉर गर्ल्स, प्रोवाइडेड कंप्लीट क्वालिटी एजुकेशन यंग पीपल एंड अडल्ट, प्रोवाइड एजुकेशन लाइफ स्किल्स, 50% इंप्रूवमेंट इन लेवल ऑफ अडल्ट लिटरेसी, एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज और इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ये मीन के सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। चलें जी अपने आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स। बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं? विजिबल है बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आपको? यस मैम। मैम आप यस हिस्ट्री ही मैम। पढ़ा रही है ना? नहीं, हिस्ट्री तो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था सैटरडे को, आज हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजीज देख जी रहे हैं, मैम। टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज। डिस्कस कर रहे ओके हैं टीचिंग मेथड्स, ठीक है जी मैम, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है यानी आज से स्टार्ट हो रही है जी ये? जी जी, आज से ओके क्लास थैंक स्टार्ट है इसकी, ठीक है यू मैम, थैंक यू। यस मैम। ठीक है जी। पैडागोजी, पैडागोजी मीन टीचिंग मेथड्स, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि पैडागोजी क्या है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का नाम भी इसको देते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड पैडागोजी जो है यही टीचिंग मेथड्स हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, हाउ द टीचिंग एंड लर्निंग अकर, आर्ट्स एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ये किस तरह से आपने पढ़ाना है? टीचिंग जो है अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ, एच है ये, ठीक है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंट टू प्रोड्यूस लर्निंग, ठीक है। टीचिंग जो है सिस्टम ऑफ एक्शन है एक्शन इंटेंट टू प्रोड्यूस लर्निंग। एक टीचर जो है कोई काम आपको दे रहा है, पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, उसका मकसद जो है, उसका मकसद ये है कि बिहेवियर, ठीक है, ड्यू टू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है आपके बिहेवियर में तब्दीली है,
और वो किस वजह से हो, आपके एक्सपीरियंस की वजह से हो। टीचिंग जो है वो प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, और जो लर्निंग है चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। टीचिंग के कुछ फेजेस हैं, मैम ये टीचिंग के सामने क्या लिखा है आपने नीचे? प्रोसेस, प्रोसेस PROCESS प्रोसेस है। टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, और लर्निंग जो है वो चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। वालेकुम अस्सलाम मैम, प्लीज काइंडली ये थोड़ा, सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बोले मैम लेक्चर रिपीट कर दें अभी जो आपने पढ़ाया है। मैंने बता दें कि लेक्चर रिपीट कर देती हूँ, और क्वेश्चन क्या है आपका? आवाज नहीं आ रही, टीचिंग मेथड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। और आपका इस क्लासरूम में अपनी आवाज का क्या इसके प्रॉपर क्यों नहीं आती? सबको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही मेरी? नो मैम, हमें आ रही है, शायद उनको नेट का इशू है कोई। बेटा देखिए, आपका अपना इशू होगा और स्टूडेंट को आवाज क्लियर है, आप चेक कर लें अपना। ओके मैम, मैं चेक करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है जी। मैंने अभी बात की है टीचिंग की, ठीक है। टीचिंग जो है सिस्टम ऑफ एक्शन है, इंटेंट टू प्रोड्यूस लर्निंग के मकसद जो टीचर का होता है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में तब्दीली करना है। इसमें हमने तीन चीजों को देखा, टीचिंग जो है वो प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्शन है, और जो लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर है ड्यू टू एक्सपीरियंस। अब मैं आपको कुछ फेजेस बता रही हूँ टीचिंग के, तीन फेजेस हैं। टीचिंग के पहला जो फेज है उसे कहते हैं प्री एक्टिव फेज। दूसरा है इंटरैक्टिव फेज, और लास्ट जो है वो है पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में टीचर ने प्लानिंग करनी होती है, लेसन को प्लान करना होता है, ठीक है। लेसन प्लानिंग जो है वो प्री एक्टिव फेज में आएगा। जब टीचर अपना लेसन प्लान करने के बाद क्लास में एंटर होता है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता है, विच इज कॉल्ड इंटरेक्टिव फेज। टीचर ने पढ़ा देने के बाद जब स्टूडेंट से उनका टेस्ट लेता है, काम को सम अप करता है लास्ट में, तो विच इज कॉल्ड पोस्ट एक्टिव फेज। अब हम देख रहे हैं मुश्किल चीज को आसान कर देना, रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स टू मेक देम इजी। रूल्स, कुछ असूल हैं फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स टू, हाँ जी, मैक्सिमम रूल्स को ही बोलते हैं एक्चुअली। मैक्सिमम जो है वो रूल्स है ऑफ टीचिंग, मीन टीचिंग को आसान बनाने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, विच इज कॉल्ड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग टू मेक देम इजी, टू मेक देम इजी।
टेक्स्ट बुक जो टेक्स्ट बुक है वो मैं बता रही हूँ, वो मैं करवाती हूँ, अभी करवा रही हूँ। टैक्टिस होती है वो, टैक्टिस स्ट्रेटेजी मेथड टैक्टिक्स, ठीक है। और मैक्सिमम अलग है, ये चार वर्ड्स जो यूज होते हैं, एक तो स्ट्रेटेजी का वर्ड यूज होता है, टीचिंग मेथड का वर्ड यूज होता है, टैक्टिक्स का वर्ड यूज होता है, टेक्निक्स, ठीक है। इनको मैं आपको जो है वो अब डिफाइन करती हूँ वन बाय वन। जो ये रूल्स है ना, इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। अब रूल्स हैं, ठीक है, इसमें आपकी जो टाइप्स है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नोन टू अननोन है, जो हमने फेजेस देखे हैं उसमें भी जो प्री एक्टिव फेज है, पहले मैंने बताया था कि प्लानिंग है, ठीक है, उसी में कुछ और जो है सुन ले जस्ट आप उसको। इसमें गोल्स, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंट, ठीक है, ये प्री एक्टिव फेज में ही चीजें आएंगी। डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, इंटरेक्टिव फेज, जब टीचर अपना लेक्चर प्रिपेयर करने के बाद क्लास में एंटर होता है, इंटरेक्टिव फेज जो है उसमें इंटरेक्शन टू क्लासरूम में साइजिंग अप क्लास, यानी कि क्लास को बाद का टीचर जो है वो ग्रुप में भी चेंज कर देता है, वो इंटरेक्टिव फेज में आएगा। डायग्नोज ऑफ लर्नर, कुछ स्टूडेंट जो है वो जल्दी पिक कर लेते हैं बात को, कुछ थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, इस चीज को भी अगर टीचर फॉलो करता है तो वो इंटरेक्टिव फेज में होता है। एक्शन ऑन रिएक्शन अचीवमेंट्स, ठीक है, फीडबैक देना, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लेना, ये भी इंटरेक्टिव फेज में है। पोस्ट एक्टिव जो फेज है, जब आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट, जब टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर देता है, उसके स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं, विच इज पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, स्ट्रेटजी इज अ ग्रीक वर्ड। ये होती है टीचर के माइंड में होती है, ठीक है, कि उसने टीचर स्टूडेंट्स को किस तरह से टीच करना है, ठीक है, और इसका मतलब है और ये हाई इसका लेवल है, स्ट्रेटजी का लेवल हाई है। जिस तरह से मिलिट्री में प्लानिंग की जाती है वो उनकी स्ट्रेटजी होती है, प्लानिंग इन एनी फील्ड केयरफुली, इसको हम आर्ट ऑफ प्लानिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, जिस तरह से मिलिट्री टर्म है ये, मिलिट्री में जब आर्मी के ऑफिसर जो है कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो सबके सामने उस चीज को नहीं रखते, इसी तरह से जब टीचर स्ट्रेटजी बना रहा है उसने सबके सामने इसको प्रेजेंट नहीं करना, ये टीचर के माइंड में होगा कोई भी लेक्चर डिलीवर करने के लिए। आर्ट है, ठीक है, आर्टिस्टिकली काम करता है टीचर, स्किलफुल हो इसमें काम करता है, ब्रॉड वे है ये, मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इसमें जो जाहिर है, जब भी हम कोई काम करते हैं, टीचर कोई टीच कर रहा होता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसने इसमें अपने जहन में इसको अचीव करने के लिए वो कुछ स्ट्रेटजी बनाता है। जी मुझे आवाज आ रही है, वालेकुम अस्सलाम, आ रही है सर मुझे आवाज। मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद एक टर्म यूज होती है जो हमने हेडिंग भी अपनी लिखी, यस आइए, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी,
बेटा आपको आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। जी मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके थैंक यू बेटा। कुछ स्टूडेंट्स को मे बी इशू उनका हो। अच्छा जी स्ट्रेटजी को देखा, ग्रीक वर्ड है, जो मेथड्स हैं ये लैटिन वर्ड। ये जो मेथड्स होते हैं वे ऑफ डूइंग वर्क, के काम आप किस तरह से कर रहे हैं। स्ट्रेटजी में आपका मींस टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, वे ऑफ डूइंग समथिंग या डूइंग वर्क, ठीक है, वर्क भी कह सकते हैं या फिर आप समथिंग। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट इन क्लासरूम। स्ट्रेटजी टीचर के माइंड में है, ऑब्जेक्टिव से रिलेट करती है, जो मेथड्स है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग, ठीक है, कंटेंट को टीचर किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, विच इज कॉल्ड मेथड। ये नजर आ रहा होगा हाँ, कि किस तरह से कौन सा मेथड टीचर, लेक्चर मेथड ले रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले रहा है, डिस्कशन मेथड ले रहा है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। इसको ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंटेंट पर। डिपेंड करती है कंटेंट पर। जिस तरह का कंटेंट होगा उसी तरह की किसी ये लातिनी जबान से लिया गया, वो ग्रीक जबान से लिया गया, ठीक है। कौन सी? नहीं, यूनानी, यूनानी। अच्छा इसमें जो है मेथड जो है तीन किस्म के होते हैं, टेलिंग मेथड, शोइंग मेथड और शोइंग और डूइंग। इनके नाम से ही जाहिर है, टेलिंग मेथड में स्टोरी टेलिंग भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड। टेलिंग में आएगा जी। शोइंग मेथड जो है शो करना है, तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और फील्ड ट्रिप्स, ठीक है, इसमें भी जो है वो चीजें दिखाते हैं, तो फील्ड ट्रिप्स। डूइंग मेथड्स, वालेकुम अस्सलाम। डूइंग मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड इसमें आता है, रोल प्लेइंग मेथड आता है, प्रैक्टिकल समथिंग विच इज परफॉर्म इन प्रैक्टिकली इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, जो काम आप प्रैक्टिकली हाथों से कर रहे हैं वो जो है आपका डूइंग मेथड में आता है। उसके बाद टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी मींस टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मेथड डिपेंड ऑन कंटेंट ऑफ नेचर। इसके बाद टैक्टिक्स का वर्ड अभी मेरी एक स्टूडेंट ने लिया था। टैक्टिक्स को ना हम गुर भी कहते हैं, गुर उर्दू में गुरु, जिस तरह से उस्ताद को गुरु कहते हैं, कि कुछ गुर हैं। हम इसे फन भी कह सकते हैं, फन भी कह सकते हैं। टैक्टिक्स जो है ICS, वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी, कि टीचर ने जो स्ट्रेटजी अपनानी है और ये भी लैटिन वर्ड है, ठीक है, लातीनी जबान से लिया गया है। इसमें आप लोग अरेंजमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कि जो आपका कोर्स है उसको आप अगर अरेंज करते हैं तो ये आप प्रैक्टिस अपनी अपना रहे हैं, कि पहले कौन सी चीज पढ़ानी है, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाना है, तीसरे नंबर पे
कौन से कोर्स को लेके चलना है. प्रैक्टिस. शॉर्ट टर्म एम्स इज एम्फसाइज, ज्यादा इसका जो जोर है वो शॉर्ट टर्म पे है कि फौरन जो आपने काम करना. जो जादूगर जो गुर दिखा रहा होता है हमें तो लगता है, हमें लगता है कि वो कोई जादू कर रहा है, ठीक है. मैजिक मैन जो है, मैजिशियन जब वो काम कर रहा है हमें लगता है कि वो, उसने तो जी कबूतर को उड़ा दिया, उसने आग लगा दी, उसने फूल बना दिया, लेकिन वो असल में टैक्टिस होती है जो कि शॉर्ट टर्म में वो फटाफट कर रहा होता है. तो टैक्टिस जो है मीन शॉर्ट टर्म में जो आपने काम जल्दी करना है, विच इज कॉल्ड टैक्टिस, ठीक है. क्लासरूम में अब हाँ लेसन ग्रुप बना देते हैं, ठीक है. और आजकल ये बहुत हो रहा है, कीवर्ड्स बता देते हैं, दे दिया कीज बता के, उसको कहते हैं अब इस पे पूरा काम आप करके दिखाएं, ठीक है. ये कीवर्ड्स बता देना, या फिर हम वो नहीं देखते हैं, हाँ स्कैनिंग वर्ड ढूंढ के दिखाएं, ठीक है. इस तरह से बच्चों की ये मेन जो एम है टीचर का वो वोकैबुलरी, बिल्कुल ये इस तरह से हर मैजिशियन जो है वो अपने तरीके से. तो टीचर भी जो है एक आर्टिस्ट भी है, एक मैजिशियन भी है. जब टीचर स्टेज पे खड़ा हुआ है तो वो बहुत से टीचिंग की फील्ड में आ जाओ, वही इसमें कामयाब होता है जो असल में टीचर बनना चाहता है. जो नहीं खुद बनना चाहता ना वो इसमें कामयाब भी नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल वो एक अच्छा टीचर. और हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स की, तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बैकग्राउंड है उसका, फिर हम अपने जो है वो मेथड्स की तरफ आते हैं. टेक्निक्स, टेक्निक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है, बिलोंग टू मेथड. इसका ताल्लुक जो है मेथड से है. मेथड्स हमने देखे थे अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जिस तरह का कंटेंट होगा टीचर मेथड जो है वही अपनाता है. टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो है, क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन है, एक्सप्लोजन्स है, इल्यूस्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है, स्टोरी टेलिंग है, नरेशन है, और सुपरवाइज करना है, ठीक है. प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड मेथड. टेक्निक्स जो है स्ट्रैटेजी और मेथड के दरमियान में ब्रिज का काम करती हैं. सबसे हाई लेवल जो है स्ट्रैटेजी का है, उसके बाद मेथड्स हैं, फिर टेक्निक्स हैं, और फिर जो है वो टैक्टिक्स है. स्ट्रैटेजी और मेथड के दरमियान में टेक्निक्स जो है वो ब्रिज का काम करती हैं. स्ट्रैटेजी जो है स्किलफुल वे होता है, मेथड जो है अकॉर्डिंग टू कंटेंट. जिस तरह का आपका कंटेंट होगा उसी तरह का टीचर जो है वो मेथड अपनाएगा. आवाज नहीं आ रही मेरी, मुझे आ रही है आप लोगों की आवाज, अब आ रही है? कट कट के आ रही है, कट हो रहा है. सबको ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, आ रही है सबको कट कर आ रही है. मैम अभी जो आपने प्रीवियसली रिपीट किया बताया ना, स्ट्रेटजी मेथड टैक्टिक्स की रैंकिंग बताई है, देन टेक्निक वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन स्ट्रेटजी एंड मेथड, आफ्टर दैट आपने क्या बताया ये जरा दोबारा रिपीट कर दे. मैंने बताया है, नहीं आ रही आवाज. ते जनाब बताया कि स्ट्रेटजी नेटवर्क इशू है शायद. मैम आ रही है आवाज आपकी. बेटा आपका अपना इंटरनल इशू है, ठीक है, आप उसको चेक करें. स्ट्रेटजी स्किलफुल वे है, मेथड जो है अकॉर्डिंग टू कंटेंट है, टेक्निक्स जो है बिलोंग्स टू मेथड है, और टैक्टिक्स जो है बिलोंग टू स्ट्रैटेजी. यानी कि स्ट्रैटेजी में टीचर ने जो तरीका अपनाना है वो टैक्टिक्स होगा, मेथड जो है कंटेंट के मुताबिक होगा. कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए जो टीचर अपनाएगा वो होंगी टेक्निक्स. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
जो है ना कंटेंट के मुताबिक जो काम हो रहा है वो होगा आपके मेथड्स, ठीक है। अब हम मेथड्स को देख लेते हैं। सबसे कॉमन मेथड, पुराना मेथड, लेक्चर मेथड, इसके क्वेश्चन जो है, एक तो ये है कि अगर टीचर ने लेक्चर देना है और उसके पास टाइम कम है, क्लास ज्यादा है और हाई क्लासेस के लिए है ये, ठीक है, हाई क्लासेस के लिए टीचर जो वो लेक्चर मेथड को अपनाता है। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड जो है, टीचिंग मेथड्स ऑटोक्रेटिक है, और प्रिमिसिव है। ऑटोक्रेटिक वो है जिसमें टीचर को अथॉरिटी हासिल है, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं, और प्रिमिसिव जो है जिसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा है। इसमें लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन, टीचर सेंटर्ड भी कह सकते हैं हम इसको, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो प्रिमिसिव है इसमें शामिल है क्वेश्चन आंसर, ह्यूरिस्टिक मीन टू डिस्कवर करना, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, प्रोग्राम डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग, असाइनमेंट, कंप्यूटर CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंडिपेंडेंट स्टडीज, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, लीडरशिप ग्रुप, ये तमाम जो है वो प्रिमिसिव में आते हैं। काफी बार जो है ये CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, ये मैं आपको ना शेयर करूंगी, ठीक है, थोड़ा सा लिख देती हूँ, कुछ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कुछ शेयर कर देती हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं पिक्चर्स आपको शेयर करता हूँ, आज भी मैंने कर दी थी, ठीक है, कोई इशू हो तो वो आप लोग पूछ लिया करें। पॉलिसीज जो मैंने पढ़ाई थी वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी आज, बाकी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था वो भी जहन में था, तो आप यकीन करें मुझे इतने नोट्स ढूंढने पड़े हैं उसको देखने के लिए, प्रीवियस का भी मैंने लिखा होगा जी। लेक्चर मेथड जो है ओल्डेस्ट है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम आइडियलिज्म फिलॉसफी, आइडियलिज्म फिलॉसफी से लिया गया है, इसको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। इसका जो फोकस है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। आपने ऑब्जेक्टिव्स तीन पढ़े हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो लेक्चर मेथड है इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव का माइंड का ताल्लुक जो है वो किस चीज से होता है, माइंड से होता है। तो लेक्चर मेथड भी जो है आपने सुनना है और इसको अपने जहन में रखना होता है। इसको टीचर जो है प्रेजेंट कर देता है क्लास के सामने, ठीक है जी, एक लेक्चर उसने तैयार किया हुआ होता है, जस्ट वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है। इसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं। अक्सर हम टीचर सेंटर्ड है, हमने अक्सर देखा टीचर बोल रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है,
और अपना कंट्रोल रखना होता अपने सब्जेक्ट पे भी और अपने स्टूडेंट्स पे भी। इसमें टीचर होल टू पार्ट, ठीक है, होल टू पार्ट की तरफ जाता है, बेटर फ्रॉम लिस्टिंग। लिस्टिंग से भी हम काफी कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल है या बहुत वाइड क्लास है और हाई लेवल की क्लास है तो उसमें आप अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए लेक्चर मेथड ही यूज करते हैं। एप्लीकेशन इसकी मैंने आपको बताई कि सेकेंडरी एंड हायर लेवल, छोटे बच्चों को आप लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते। सेकेंडरी लेवल के 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं और हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे आप अपना लेक्चर मेथड जो है वो यूज करते हैं। एडवांटेजेस इसके यही है कि ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको जो है वो खर्च नहीं करना पड़ता, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता आपको, आपके जो है वो इकोनॉमिकल होता है। और कंसंट्रेशन डेवलप की जाती है, स्टूडेंट जो है वो कंसंट्रेट करते हैं और सुनते हैं आपकी बात को। और लेकिन अगर कंसंट्रेट करके सुन रहा है तो सुनता भी तो है ना, अगर उसकी कंसंट्रेशन अच्छी है तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें दूसरी स्ट्रेटजीज अपना ले, जैसे मैंने अभी बात की थी स्ट्रेटजी की, यानी कि मेथड तो उसने लेक्चर मेथड लिया अपने कंटेंट को देखते हुए, लेकिन जब वो देख रहा है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो पैसिव हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाते हुए अपने लेक्चर को जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बना सकता है। लिमिटेशन इसकी जो है वो बोर होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें नहीं देखे जाते, तमाम स्टूडेंट्स को एक ही मेथड से टीच किया जा रहा होता है। डेमोंस्ट्रेशन मेथड, डेमोंस्ट्रेशन जो मेथड है ये साइंस सब्जेक्ट के लिए है और टीचर अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को अगर होता, ठीक है, टीचर कोई परफॉर्म कर रहा है साइंस लैब में तो वो डेमोंस्ट्रेशन मेथड अपना रहा है साइंस सब्जेक्ट्स में। ट्रेडिशनल मेथड है ये भी और इसका फोकस जो है वो साइकोमोटर और कॉग्निटिव दोनों पर है। इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है और इसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी कि टीचर परफॉर्म करके दिखा रहा होता है स्टूडेंट्स को। स्किल डेवलप बाय इनविटेशन, टीचर चाहता है जिस तरह से मैं किसी चीज को बना रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स मुझे देखें, मेरी नकल करें और वो चीज उसी तरह से डिवेलप करें। ये तो मैंने तो वो डोमेन्स बनाई है, बताई थी एजुकेशनल डोमेन, कॉग्निटिव इफेक्ट इसमें दो हैं, साइकोमोटर और कॉग्निटिव इसमें दो हैं। बिल्कुल, टीचर जो है साइंस सब्जेक्ट में, मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो ध्यान से आप सुना करें, कोई वजह होती है, ठीक है। ये इस तरह का इंस्टीट्यूट बन के आ जाता है कि साइंस सब्जेक्ट में लेकिन टीचर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। टीचर जब परफॉर्म कर रहा है तो वो डेमोंस्ट्रेशन मेथड है। अगर स्टूडेंट से करवा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट ही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड। रोल प्लेइंग जो है ना ये होता हिस्ट्री के, हिस्ट्री, हाँ जी, वो हिस्टोरिकल के लिए है कि अगर आपने बच्चों को जो है वो हिस्ट्री के कोई चीज बतानी है, मुगल का दौर बताना है, सर सैयद के बारे में, कायद आजम अलामे, कुछ भी, अगर वो कायद आजम बना के खड़ा कर दिया या फा, तो वो विच इज रोल प्लेइंग ज्यादातर हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में होता। जो मैं साइंस की बात कर रही हूँ वो है प्रोजेक्ट मेथड, वो प्रोजेक्ट होगा, वो टीचर को प्रोजेक्ट दे देते, जब स्टूडेंट्स करेंगे प्रोजेक्ट है, जब टीचर परफॉर्म करके दिखा रहा है तो वो डेमोंस्ट्रेशन मेथड है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल में इसको हम साइंस लैब में, बायो में, नेचर स्टडी के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। इसके जो एडवांटेजेस है, इन्वॉल्व वेरियस सेंसेस इसमें, हमारी जाहिर है देखने की भी हिस्सा इस्तेमाल हो रही है, सुनने की भी, और अगर टीचर आके कहता है जैसे मैंने किया आप भी करें तो वो आप जो है वो स्किलफुल खुद भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो और इसका जो है डिसएडवांटेजेस ये है, ओनली फॉर स्किल सब्जेक्ट्स, नॉट फ्री टू डिस्कस, यानी कि जो सिर्फ स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उसी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्यूटोरियल ये आपको मालूम ही है, जिस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर्स होते हैं ना, ये उसी तरह से है,
फॉलो अप स्टडी ऑफ लेक्चर्स, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड रिमीडियल टीचिंग का नाम भी इसको दिया गया है, रिमीडियल टीचिंग। देखिए जब बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो जब भी वो ट्यूटर के पास जाता, जो चीज वो खुद पढ़ लेता है उसको ट्यूटर की जरूरत नहीं होती, जो चीज उसको इलाज की जरूरत है, उसको डायग्नोज हुआ है कि ये मसाइल है उसके, उसका हमने इलाज करना है, तो वो फिर ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटर की तरफ जाता है, इसलिए इसको हम रिमीडियल टीचिंग का नाम भी देते हैं। इसमें फोकस जो है वो रिमीडियल हेल्प है, कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन्स इसमें इस्तेमाल होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखकर ही काम होता है, ठीक है, एक ट्यूटर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल ही डील कर रहा होता है। रिमीडियल टीचिंग है, डायग्नोज किया जाता है, फिर आपको आपका कोई मसला हो तो प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, और बाद में टीचर जो है वो इसमें फॉलो अप भी ले रहा हो। आज का टाइम तो जल्दी चला गया है, ऐसा लगता है हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बीएफ स्किनर, जी बीएफ स्किनर ने इसका जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। इसकी ना टू टाइप्स हैं आगे, लीनियर एल लिखा हुआ, ये लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांचिंग, ब्रांच शाखे जो होती है ना, जिस दरख्त की शाखे वो है। जो ये लीनियर है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बीएफ स्किनर ने दिया, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑटोक्रेटिक इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। साइकोलॉजी पढ़ी है आप लोगों ने? अच्छा, साइकोलॉजी में एक ना आप पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का कॉन्सेप्ट के किसी चीज को एक चीज के साथ एसोसिएट कंडीशन कर देना, उसमें आप पढ़ेंगे डॉग वाली एग्जांपल जो है। शुरू है स्लेविया जो है उनका, स्लाइवा जो है वो निकलना शुरू हो जाता था, तो वो उसने जो है एसोसिएट किया हुआ था। इसी तरह से जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसमें ना ये कंप्यूटर में आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर यूज करता है, फ्रेम्स बने हुए होते हैं, ये पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा, इस तरह से फ्रेम्स बने हुए हैं। लीनियर, लीनियर का मतलब भी जो है वो एक के बाद दूसरे का चलना है, ठीक है जी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना होता है जी। हमने बच्चों को मैथ की एग्जांपल इन्होंने दी, ठीक है, हम उसी को लेके चलते हैं कि जब बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस माइनस आता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स बने हुए होते हैं, बच्चे को स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ाना होता है, फ्रेम्स होते हैं। जब एक चीज आ गई फिर हमने उसको दूसरी सिखाई, फिर तीसरी, इस तरह से वो जो है वो आसान से मुश्किल की तरफ चीजें चल रही होती हैं। जो ब्रांच, हाँ जी, जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है इसमें भी फ्रेम्स बने हुए हैं लेकिन कुछ शाखें हैं, कि पहला फ्रेम बच्चे को आ गया लेकिन दूसरा समझ नहीं आया, तो उसको समझाने के लिए कुछ और